अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लेटेस्ट जॉब इन पाकिस्तान। फ्रेंड्स, आपको बता चलूँ कि हाईटेक यूनिवर्सिटी में डिफरेंट नेचर ऑफ पोस्ट की अनाउंसमेंट हुई है, जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। तो आपको बताऊँ कि सबसे पहले इन्होंने हाईटेक यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार इनको रिक्वायर्ड हैं, जिनके लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है MA, MSc, MBA और इक्विवेलेंट डिग्री विद फर्स्ट डिवीजन के साथ आपने MBA, MA, MSc की हो और किसी भी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से, ऐसी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से, और इसी के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस चाहिए जो कि 12 ईयर आपका एक्सपीरियंस टोटल होना चाहिए, जिसमें से 5 ईयर एक्सपीरियंस आपका जस्ट एज आपने डिप्टी रजिस्ट्रार होना चाहिए इन HEC रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी HEC रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट आपको बताऊँ, इनको लाइब्रेरियन रिक्वायर्ड है। लाइब्रेरियन में इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है जो कि मास्टर डिग्री है इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस MLIS इनको रिक्वायर्ड है, जो कि इन्होंने एक्सपीरियंस इसके साथ मांगा है। 12 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन HEC रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने 12 ईयर इस रिलेटेड आपने काम किया हो तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट मस्ट बी वेल वर्स्ड इन कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन मैनेजमेंट एंड डिजिटल लाइब्रेरी ऑपरेशंस एंड ई रिसोर्सेज अरेंजमेंट। तो गाइज, इनको ऐसा लाइब्रेरियन रिक्वायर्ड है जो कि इंटरनेट और वर्किंग जो होती है LMS की या CMS की इन ई सोर्सेज में, डिजिटल लाइब्रेरी में, तो उसमें ये वेल वर्स हों, उसको सही जानते हों, उसको ऑपरेट करना। नेक्स्ट आपको बताऊँ कि इनको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायर्ड हैं, जो कि जिनके लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है MSc, MCSE या फिर BSc कंप्यूटर साइंस और IT 16 ईयर एजुकेशन और एक्सपीरियंस इसके लिए 2 to 3 ईयर आपका होना चाहिए। इसके लिए उनके जो रिक्वायर्ड है विंडो सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर, लिनक्स सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर, हैंड ऑन एक्सपीरियंस ऑन राउटिंग, स्विचिंग, एक्सेस लिस्ट एंड ट्रबल शूटिंग, नॉलेज ऑफ ओपन स्टॉक, VMware, सिस्को, ASA वायरहाउस। और नेक्स्ट आपको इनको चाहिए इंटरनल ऑडिटर चाहिए, जो कि जिनके लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है CA Inter CFAP विद आर्टिकल कम्प्लीटेड ACCA। इनके लिए एक्सपीरियंस इनको 3 ईयर रिक्वायर्ड है, जो कि इनका एक्सपीरियंस रिलेटेड होना चाहिए ऑडिट के और इंस्पेक्शन के किसी भी यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के जॉब्स हैं अकाउंट्स के रिलेटेड, तो क्वालिफिकेशन इनके लिए BCOM रिक्वायर्ड है इनको विद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस, आपने BCOM किया हो और साथ में आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस हो तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। गाइज, आपको बताऊँ हाईटेक यूनिवर्सिटी अपने एम्प्लॉयर को मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ देती हैं, जिनमें ट्रैवलिंग फैसिलिटी है और इसके अलावा और भी हैंडसम सर्विस होती हैं और मुख्तलिफ स्टेप्स पे मुख्तलिफ मदद करती है ये यूनिवर्सिटी। इसमें अप्लाई करने का, इन जॉब्स में अगर आप किसी में एलिजिबल हैं और अप्लाई करने चाहते हैं, तो इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप अपने ईमेल से, आपका जो भी ईमेल है उसमें आप जाएंगे और कंपोज में जाने के बाद आपने 2 की जगह जॉब्स हाईटेक jobs@hightechuni अपने राइट करने हैं jobs@hightechuni.edu.pk। तो नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट में आपने पोस्ट का नेम लिखना है जिसके अगेंस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं। लाइक अगर रजिस्ट्रार के रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रार, और आपने अटैच कर लेनी है अपनी CV, जो भी आप अप्लाई करना अटैच करना चाहते हैं अटैच हो जाएगी, आपने सिंपली इनको सेंड कर देनी है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट आपको बताऊँ इसकी लास्ट डेट हाईटेक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, इन फॉलोइंग जो जॉब्स आपको मैंने बताई हैं इनकी लास्ट डेट आपके लिए 20th अगस्त 2020 है। तो
ये मेक श्योर करेंगे आप 20 अगस्त 2020 से पहले पहले आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसमें अप्लाई करें, ताकि आपको ये फर्दर जो भी सिनेरियो होगा इनके वो आपको बुला लेंगे। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आपको मैं रिप्लाई कर सकूं। और अभी तक आपने चैनल लेटेस्ट जॉब इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मोर अपडेट मिलती रहें। थैंक यू गाइज़।